आयशाज किचन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो चिकन चीज पैटीज की है, जो बहुत आसान है और जब आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो बहुत मजे के चिकन पैटीज तैयार होंगे। चलें तैयार करते हैं फ्रेंड्स। चिकन चीज पैटीज बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं, पफ पेस्ट्री शीट्स, बोनलेस चिकन, प्याज, अंडा, शिमला मिर्च, चीज, दूध, काली मिर्च, नमक, मैदा, ऑयल शामिल हैं। फ्रेंड्स, चिकन चीज पैटीज की फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालें, प्याज ऐड करें, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें पहले। उसके बाद आपने शिमला मिर्च डालनी है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए सिजलिंग की आवाज आ रही है, और फिर शिमला मिर्च डाल दें। इन दोनों चीजों को पहले मिक्स कर लें। ये हमने बोनलेस चिकन है इसको पहले नमक डाल के बॉईल कर लिया था, अब वो हम ऐड कर देंगे। सब चिकन को अच्छी तरह मिक्स करें। अब आपने नमक शामिल करना है, काली मिर्च शामिल करनी है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद आपने मैदा मिक्स करना है। जब मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने दूध को ऐड करना है ताकि तमाम चीजें मिल जाएं, ग्रेवी बन जाए। फ्रेंड्स, जब आप दूध ऐड करेंगे उसके बाद 5 मिनट तक के लिए आप इसको पकाएं। ताकि सारी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो सकें। फ्रेंड्स, माशाल्लाह देखें टेक्सचर बहुत अच्छा तैयार हो गया है फिलिंग के लिए। अब हम इसको कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, चिकन चीज पैटीज बनाने के लिए चिकन कूल डाउन हो गई है, अब हम इसमें चीज ऐड करते हैं। चीज को अच्छे से मिक्स कर लें। पैटीज बनाने के लिए फिलिंग तैयार है, अब हम पैटीज बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने पफ पेस्ट्री की शीट्स ली हैं, अब हम इसमें फिलिंग करने लगे हैं। हम पिज्जा कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप छुरी से भी कट कर सकते हैं। अब हम इसको क्रॉस की शेप में क्लोज कर रहे हैं।
देखें ये शेप आ गई है। फ्रेंड्स एक हमने ये शेप बनाई है, अब हम आपको ट्रायंगल शेप में भी बना के दिखाते हैं वो कैसे बनेंगे। पहले फिलिंग कर लें बीच में। आपने पोक की मदद से इसके एंड्स को डिजाइन दे देना है। ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन आ गया है। फ्रेंड्स ये हम रेक्टेंगल शेप में भी आपको बना के दिखा रहे हैं ये कैसे इसमें लगेंगे, खूबसूरत डिफरेंट शेप आ जाएंगी। इसको भी आप फोक की मदद से डिजाइन बना लें। ये देखें कितना खूबसूरत सा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स चिकन चीज पैटीज की फिलिंग हो गई है, अब हम ट्रे में ऑयल की ग्रीस करके तो तमाम पैटीज हम ट्रे में सेट करने लगे हैं। अब हम ओवन में रखने से पहले अंडे की ब्रशिंग करेंगे। अगर आपने अंडे की ब्रशिंग नहीं करनी तो आप दूध की ब्रशिंग भी कर सकते हैं। ये देखें सब अच्छे तरीके से आप इसको पैटीज को ब्रश करते हैं। अब हम ओवन में बेक करने के लिए रखने लगे हैं। ओवन को हमने 375 डिग्री पे प्रीहीट किया हुआ है, अब हम पैटीज ओवन में रखने लगे हैं। फ्रेंड्स 30-35 मिनट्स में पैटीज तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। फ्रेंड्स माशाल्लाह चिकन चीज पैटीज बड़े जबरदस्त तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।